महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आने के बाद से लगातार एक्शन मोड पर है। वैसे तो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी कार्यकुशलता के लिए हमेशा से जाने जाते हैं और अब उनके कंधों पर पूरे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी होने के बावजूद भी वो ठाणे जिले की छोटी से छोटी घटनाओं का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में ठाणे जिले के कामगार अस्पताल की दीवार का बाहरी हिस्सा गिरने से एक महिला के जख्मी होने की खबर सामने आने पर स्थानीय पार्षद एकनाथ भोईर ने अस्पताल प्रशासन से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री को इस घटना की पूरी जानकारी दी। तो दूसरी ओर पंढरपुर के भगवान विठोबा के दर्शन हेतु जाने वाले भाविकों की सुविधा का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री सीधे ठाणे जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आपातकालीन व्यवस्था और मेडिकल संबंधित सुविधाओं की समीक्षा के लिए जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को मौजूदा स्थिति पर नज़र बनाए रखने का निर्देश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने और कुछ क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैनेजमेंट की बैठक हुई है, इसमें सभी पूरा जायज़ा लिया है, रिव्यू लिया है मैंने, और किसी भी तरह से बरसात में बारिश में किसी भी नागरिक जो है उसको किसी बात की तकलीफ होनी नहीं चाहिए, उनके जाने माल की नुकसान नहीं होने चाहिए, और इसलिए मैंने पूरी सूचना दी हुई है। पूरी तरह हमारे प्रशासन जो है अलर्ट है, सभी लोग ऑन फील्ड है। ये आपको एक ही मैं बताऊँगा कि सोनिक मैडम पालक सचिव है, वो खुद यहाँ आए हुए हैं इस जिले में, ये वो पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं। इससे आप पता लगाओ कि हमारी पूरी यंत्रणा अलर्ट है, किसी भी तरह की कोई भी दुर्घटना नहीं हो और दुर्घटना प्रिवेंट करने के लिए पूरी तरह यंत्रणा जो है हमारी लगी हुई है, और किसी भी तरह का कोई भी दुर्घटना का सामना लोगों को नहीं करना पड़ेगा, ये ऐसी व्यवस्था हमने कर चुके हैं। पंढरपुर में पंढरपुर का जो आषाढ़ी एकादशी का बहुत बड़ा उत्सव होता है, वारी होती है, उसके बारे में भी मैंने आढ़ावा लिया है। सभी हमारे मुख्य सचिव थे, सभी लोग थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, पुणे विभागीय आयुक्त थे, सोलापुर कलेक्टर, वहाँ की पुलिस, सब प्रशासन थे, नगर पालिका, सब लोग थे। अभी इसमें 15 से 10-15 लाख लोग जाते हैं, 2 साल कोविड में नहीं जा पाए, अभी इस बार बड़ा उत्साह है लोगों में और वो भारी संख्या में वहाँ जाएंगे। उनकी कोई भी गैर सोई नहीं होनी चाहिए, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, इसके पूरा प्रावधान प्रशासन ने किया हुआ है। मैंने उनको सूचित किया है कि मोबाइल टॉयलेट हो, स्वच्छता गृह हो, वहाँ की साफ सफाई हो, वहाँ आरोग्य सुविधा हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, जितने भी बढ़ाने की आवश्यकता है बढ़ा दो, निधि बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा, ऐसी सूचना मैंने दी हुई है। जो गाड़ियाँ जाएंगी वहाँ पर, जो लोग प्राइवेट कार गाड़ी से जाएंगे उनको भी टोल में से माफ, टोल माफ भी कर दिया है। ये भी जैसे गणपति में कोंकण में जाने वाले लोग, उनको जैसे वो एंट्री करते हैं, रजिस्टर करते हैं, नाम गाड़ी का नंबर देते हैं, वैसी भी सूचना मैंने दी हुई है। मुख्य सचिव वो कोऑर्डिनेट करेंगे, सबको सूचित करेंगे, ये भी मैंने कहा। और सुनो, अरे गड्ढे में मत जाओ, और सुनो, इसके अंदर लॉन्ग टर्म जो वहाँ का पंढरपुर का विकास, पंढरपुर देवस्थान का डेवलपमेंट, जैसे अपने अन्य देवस्थान है जैसे डेवलप है, तो वहाँ पर सभी सुविधा, अच्छे रास्ते, फुटपाथ, वहाँ की हेल्थ सर्विस, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था, सब बढ़िया होनी चाहिए।